वेलकम टू देसी शेफ। मैं हूँ मरियम, जो आपके लिए लेकर आती हूँ अलग अलग खुशबूदार मसालेदार और टेस्ट वाली रेसिपीज का खजाना। और आज इस खजाने में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज अखनी बिरयानी। तो कैसे बनाई जाएगी ये बिरयानी, ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए कि आज आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस रेसिपी में डाले जाएंगे। एक बड़ा चम्मच तेल, आधा किलो चावल, एक चौथाई फूलगोभी मीडियम टुकड़ों में तोड़ लें, 6 से 8 फ्रेंच बीन्स बारीक काटें, एक मीडियम साइज शिमला मिर्च जिसे आप 8 टुकड़ों में काट लें, एक गाजर मीडियम गोल काटें, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 4 हरी मिर्च, इनको आप बारीक काट लें, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले आप राइस को धो लें और उसे साफ पानी में भिगा कर रख दें। प्रेशर कुकर में तेल डाल के उसे गर्म कर लें और उसके बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। इसके बाद आपको इसमें हरे धनिया का पाउडर डालना है, सौंफ पाउडर डालना है और नमक डाल के आधे मिनट तक के लिए भूनना है। फ्रेंच बीन, फूलगोभी, शिमला मिर्च, गाजर डालकर अच्छी तरह से उसे चला लें। उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसे उबलने तक गर्म होने दें और उसके बाद उसमें मक्खन डाल दें। इस तरीके से आपकी अखनी तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद भीगी रखी राइस को पानी से अलग कर लें और प्रेशर कुकर के अंदर उबलते हुए पानी में डालकर अच्छी तरह से उसे चला लें। प्रेशर कुकर बंद करके धीमी आंच पर 1 सीटी आने दें और उसे उतार दें। वेज अखनी बिरयानी एकदम तैयार है, वो भी गर्मा गर्म। मैं आपसे बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, पहले से चख के बताती हूँ कि आखिर है कैसा। वाओ, आप भी इसे जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने किचन में जल्दी से इस रेसिपी को बनाकर अपने मेहमानों को और अपने रिश्तेदारों को खुश कीजिए।